हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवनीस किचन डिलाइट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सुनैना अंशु, और इस वीडियो में मैं आपको बनाना स्टेम या केले के तने को साफ करने की और काटने की विधि बताऊंगी। मैंने यहां 1 फुट लंबा बनाना स्टेम लिया है। इसका नियमित सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिलता है, एसिडिटी, किडनी स्टोन्स और कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचाव होता है। यह खाना पचाने में और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। फ्रेंड्स, हमें बनाना स्टेम को इस तरह से बारीक चॉप करना है। इसके लिए बनाना स्टेम को दिखाए अनुसार 2 टुकड़ों में काट लें। फ्रेंड्स, यदि आप बनाना स्टेम के एक सिरे पर क्रॉस सेक्शन देखते हैं, आप देख सकते हैं कि एक मोटा ठोस भीतरी भाग है। यह भीतरी भाग खाने योग्य होता है और इसका सेवन किया जाता है। फिर एक रेशेदार जालीदार बाहरी रिंग भाग होता है। इस बाहरी हिस्से को हटाकर फेंक देना है। अब बाहरी हिस्से की सतह पर चाकू से काट लें। कट 0.5 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए। इसमें बाहरी रिंगों की 2 से 3 परतें हो सकती हैं। वे खाने योग्य नहीं होती हैं, इसलिए दिखाए अनुसार हटा दें और फेंक दें। अब हमारे पास बनाना स्टेम या केले के तने का भीतरी ठोस टुकड़ा बचा है। अब मैं इस बाहरी भाग को फेंक रही हूँ। अब अंदर के ठोस टुकड़े को आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। साथ ही जब आप केले के तने के अंदरूनी हिस्से को काटते हैं, तो आप देखेंगे कि कटे हुए टुकड़ों के साथ बहुत सारे रेशे भी आ रहे हैं। उन रेशों को अपनी उंगलियों से हटा दें, फिर अंदरूनी हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लें। कटे हुए बनाना स्टेम के टुकड़ों को एक बोल में इकट्ठा कर लें। बचे हुए बनाना स्टेम को भी इसी तरह से काट लें। आप इसकी रेसिपी बनाने के लिए इसका तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इन कटे हुए बनाना स्टेम को बाद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डिस्कलरेशन या काला पड़ने से बचाने के लिए आप इन्हें नींबू पानी या छाछ में डुबोकर रख दें। उसके बाद आप इसे रेफ्रिजरेट करके रख लें और कभी भी 2-3 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर लें। यह बिल्कुल भी डिसकलर नहीं होगा। आप इन कटे हुए बनाना स्टेम की कई रेसिपीज बना सकते हैं, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और यह एकदम फ्री है। मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।